हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके साथ एक्सेस के अंदर में, जो एक्सेस है हमारा, उस एक्सेस के अंदर में हम किस तरह से फॉर्म को डिजाइन करते हैं और फॉर्म के अंदर हम वीवे की कोड करते हैं। तो मैं डिजाइन यहाँ क्रिएट के अंदर डिजाइन फॉर्म में गया, मेरे पास इस तरह का एक फॉर्म आ गया। अब इसमें से ऊपर हमारे पास कंट्रोल्स है, उस कंट्रोल्स को ऐड करेंगे। जैसे कि मैं एक बनाना चाहता हूँ लोन का कैलकुलेटर, एक लोन कैलकुलेटर बनाना चाहता हूं ताकि ईएमआई निकल सके। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिया और टेक्स्ट बॉक्स दिया यहाँ पे, और टेक्स्ट बॉक्स की जो है साइज हम अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते। और यहाँ पे हमने लिख दिया पी या प्रिंसिपल, आप जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हमने एक और टेक्स्ट बॉक्स लिया यहाँ पे, इसी के जस्ट साथ में एक छोटा होगा, और इसको भी यहाँ से उठाया और यहाँ रख देता हूँ, और यहाँ पे इसको करता हूँ रेट, और एक लेबल लेता हूँ यहाँ पे डालता हूँ, और यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल दे देता हूँ परसेंटेज, और इसको छोटा कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम आता है टाइम, टाइम, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, और इसको उठा के इसके साथ रख देता हूँ टाइम, और उसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। एक और लेवल यहां से लेता हूं, और लेवल को यहां हम कर देते हैं मंथ, कि टाइम जो है मंथ्स में होने चाहिए, सॉरी यहाँ पे हम लेवल लेना था आपको, और यहाँ पे मंथ्स। उसके बाद फिर हमें यहाँ ईएमआई निकालना है, यहाँ नीचे यहाँ पे ईएमआई, ईएमआई यहाँ पे हमने डाल दिया, और यहाँ हमने बटन लेके इस पे बटन के ऊपर करेंगे। लेकिन उससे पहले बटन ले लिया, बटन फिर कंट्रोल आता है, इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे हम करते हैं कैलकुलेट, कैलकुलेट सिलेक्ट किया, और इसमें हम जो है यहाँ से ऑन क्लिक है, ऑन क्लिक में या हम कोड बिल्डर पे आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट खुल के आ जाता है, और यहाँ पे हम करते हैं डिम आर एच ए पी पी नहीं, यहाँ पे पी एज ए लॉन्ग, फिर डिम आर एज ए डबल, फिर डिम टी एज ए बाइट कर देता हूँ या इंटीजर कर देता हूँ, इंटीजर। उसके बाद पी इक्वल टू हमने बोला मी, मी मतलब एक्टिव फॉर्म डॉट टेक्स्ट जीरो डॉट वैल, आर इक्वल टू सेम मी, यहाँ पे मी डॉट टेक्स्ट टू, टेक्स्ट टू डॉट वैल्यू, और यहाँ पे आर इक्वल टू आर डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज मिलाना है। देन टी इक्वल टू मी डॉट टैक्स 5, जी हाँ टैक्स 5 डॉट वैल्यू। अब कंफ्यूजन हो रहा है आपको ना, तो एक बार चेक कर लीजिए किसका नाम क्या है। तो इसका नाम है टैक्स 0, इसका नाम है टैक्स 2, इसका नाम है टैक्स 5, ये है आपका टेक्स्ट 10, तो टेक्स्ट 5 डॉट वैल्यू ये हो गया।
अब यहाँ पे हम यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेट करते हैं, डिम ईएमआई एज ए हमने लॉन्ग यहाँ पे इंटीजर कर देता हूँ ना, इंटीजर, हाँ इंटीजर हो जाएगा, सही रहेगा, लॉन्ग कर देता हूँ ताकि वो राउंड हो जाए। तो ईएमआई इज इक्वल टू, हम यहाँ लगाएंगे पीएमटी का फॉर्मूला, पीएमटी रेट, रेट हमारा आता है, अब रेट क्या है, ईयरली है तो इसको डिवाइड बाय 12 करना होगा, टाइम तो हमारा मंथ में है तो टी कर देता हूँ, और इसके बाद पी भी प्रेजेंट वैल्यू हमारी पी है, अब कहेंगे मी डॉट टैक्स 10 डॉट वैल्यू इक्वल टू ईएमआई, सिंपल सा हमने कर दिया। अब इसको एक बार सेव करते हैं, ईएमआई। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं 20,000, रेट हमारा हो गया 5%, परसेंट का सिंबल नहीं देना है, टाइम हमारा हो जाता है 36 महीना। कैलकुलेट पे क्लिक किया, ये देखिए अभी माइनस में आ रहा है, अब मुझे माइनस में नहीं चाहिए। और दूसरा चीज है कि ये जो पहले से नहीं होना चाहिए, ये पहले से नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले तो हम इसको इसकी डिजाइन व्यू में जाएंगे, वापस इसको सिलेक्ट करते हैं, और इसमें आपका आएगा फॉर्मेट, नहीं ये डेटा लॉक एनेबल, इसमें क्या आता है विजुअल, ऑल में आइए, ऑल में आपको पता चल जाएगा, ये सॉर्टेड नहीं, सॉर्टेड तो नहीं है, हाँ ये रहा फॉर्मेट में विजुअल, यस के जगह पे कर दीजिए नो, ये भी हो गया नो। अब इसकी जो प्रोग्रामिंग है, उस प्रोग्रामिंग में आते हैं हम, और यहाँ हम लिखते हैं कि मी डॉट टैक्स 10 डॉट विजुअल इक्वल टू ट्रू, पहली चीज, और ईएमआई को एबीएस फॉर्मूले में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस से प्लस में आ जाएगा, माइनस से प्लस, और यहां हमने इसको सेव किया, और हमने ईएमआई के ऊपर यहाँ पे देखिए नहीं दिख रहा है, तो ईएमआई का कॉलम हमने यहाँ पे मान लीजिए 6% है, टाइम मान लीजिए 48 महीने का है, कैलकुलेट 470, अब दिख गया आ गया। अब इसको थोड़ा सा स्टाइलिश और डिजाइनिंग वगैरह हम कर सकते हैं लेआउट में जाके, अब इसके लिए ऐसा करूंगा तो लंबा वीडियो बन जाएगा, तो डिजाइनिंग पिक्चर्स कलर वलर अरेंज वरेंज आप कर सकते हैं, करिए, और आपको पूरी एक्सेस की क्लासेस चाहिए तो मेरे साथ लाइव क्लासेस पे जुड़ सकते हैं या हमारा रिकॉर्डेड सेशन ले सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशन लेने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ऐप का लिंक होगा, ऐप को डाउनलोड कीजिए, आईओएस एंड एंड्रॉइड दोनों पर है, और मुझे लाइव क्लास के लिए कॉल कीजिए, मेरा नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। थैंक यू, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।